नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। ET3 की टीम के साथ इंग्लैंड रवाना हो चुके हैं। इस खास मौके पर पूरी टीम काफी एक्साइटेड नजर आई। वेल, कपिल देव की इस बायोपिक के लिए काफी ज्यादा चर्चाएं हैं। रणवीर सिंह एक बार फिर इस फिल्म के लिए खासी मेहनत करते नजर आ रहे हैं। क्रिकेट विश्व कप जीतने की कहानी है फिल्म 83। इस बायोपिक में कौन निभाएगा किसका किरदार, आइए आपको बताते हैं। फिल्म को रियल दिखाने के लिए वास्तविक जगहों पर शूट किया जा रहा है और इसके साथ ही मूवी के स्टार कास्ट पर भी खासा ध्यान रखा गया है। भारत के पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने की ऐतिहासिक कहानी है 83, जिसे कबीर खान डायरेक्ट कर रहे हैं। 83 के विश्व कप में टीम इंडिया की कमान कपिल देव के हाथों में थी। कपिल देव ने भारतीय क्रिकेट टीम को पहली बार ICC वर्ल्ड कप का चैंपियन बनाया था। फिल्म 83 में कपिल देव की भूमिका में रणवीर सिंह नजर आएंगे। वेल, काफी इंटरेस्टिंग होगा रणवीर सिंह को कपिल देव के रूप में देखना। संदीप पाटिल के रोल में नजर आएंगे उनके बेटे। 1983 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के जीत में संदीप पाटिल अहम हिस्सा थे। फिल्म 83 में संदीप पाटिल के रोल में उनके बेटे चिराग पाटिल नजर आएंगे। चिराग अपने प्रैक्टिस से अपने पिता की तरह खेलने की कोशिश कर रहे हैं। मोहिंदर अमरनाथ के रूप में साकिब सलीम। मोहिंदर अमरनाथ को सर्वश्रेष्ठ भारतीय बल्लेबाजों में से एक माना जाता है और 1983 वर्ल्ड कप में वो टीम इंडिया का अहम हिस्सा थे। फिल्म 83 में मोहिंदर अमरनाथ के रोल में साकिब सलीम नजर आएंगे। आपको बता दें, साकिब दिल्ली से एक राज्य स्तरीय क्रिकेटर भी हैं। सुनील गावस्कर के रोल में ताहिर राज भसीन। फिल्म 83 में लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर के रोल में ताहिर राज भसीन नजर आएंगे। निर्देशक कबीर खान ने भसीन को गावस्कर के रूप में कास्ट करने के बारे में कहा, सुनील गावस्कर की कास्टिंग महत्वपूर्ण थी क्योंकि वो टीम के सुपरस्टार थे। मुझे लिटिल मास्टर के कास्ट के लिए एक ऐसे एक्टर की जरूरत थी जो उनके गंभीरता को दिखा सके। ताहिर के पास वो व्यक्तित्व है। बलविंदर सिंह संधू के रूप में अमी विर्क। भारतीय तेज गेंदबाज बलविंदर सिंह संधू की भूमिका निभाने के लिए पंजाबी गायक और अभिनेता अमी विर्क को चुना गया है। 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में यादगार गेंदबाजी करने वाले संधू ने फिल्म 83 के कलाकारों को क्रिकेट की बारीकियां सिखाई है। मदन लाल के रूप में हार्डी संधू। पंजाबी गायक हार्डी संधू एक अन्य स्टार है जो ऑलराउंडर मदन लाल की भूमिका निभाते नजर आएंगे। मदन लाल ही थे जिन्होंने विश्व कप फाइनल में वेस्ट इंडीज के खिलाफ विवियन रिचर्ड्स का अहम विकेट लिया था। हार्डी संधू एक तेज गेंदबाज के रूप में पंजाब के लिए अंडर 19 टीम में भी खेल चुके हैं। कृष्णा मचारी श्रीकांत के रूप में जीवा। फिल्म 83 में तमिल एक्टर जीवा भी नजर आएंगे जो श्रीकांत का रोल निभाते दिखेंगे। 83 से जीवा बॉलीवुड में डेब्यू करेंगे। श्रीकांत अपने जमाने में वनडे के धुआंधार बल्लेबाज थे और भारत के लिए ओपनिंग भी की थी। सैयद किरमानी के रोल में साहिल खट्टर। यूट्यूबर साहिल खट्टर फिल्म 83 में विकेट कीपर सैयद किरमानी का किरदार निभाते नजर आएंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ कपिल देव के साथ 129 रन की साझेदारी कर किरमानी वर्ल्ड कप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साहिल खट्टर ने इंस्टा पर फिल्म में कास्ट किए जाने को लेकर बताया था। वेल, इसके अलावा पंकज त्रिपाठी भी नजर आएंगे फिल्म 83 में। टीम मैनेजर मान सिंह का किरदार निभाते दिखेंगे पंकज त्रिपाठी। एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाले एक्टर पंकज त्रिपाठी फिल्म 83 में इंडियन क्रिकेट टीम के मैनेजर मान सिंह का किरदार निभाते नजर आएंगे जो 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली इंडियन टीम के मैनेजर थे। तो इस तरह से ये है 83 की पूरी टीम। आपको बता दें, इन किरदारों में ढलने के लिए पूरी टीम ने अच्छी खासी ट्रेनिंग ली है। कपिल देव के साथ रणवीर की भी शानदार ट्रेनिंग रही। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा जब पर्दे पर आती है फिल्म 83। इस वीडियो में बस इतना ही।